Welcome student, myself Dr. Jaswin Sharma, Associate Professor in Chemistry. Student, इससे पहले lecture में मैंने polymerization and its mechanism के बारे में discuss किया था और हमने उस mechanism में free radical polymerization लिया है और उसके तीन step हमने detail में discuss किए थे. First step जिसको हमने कहा था chain initiation step, नेक्स्ट स्टेप चेन प्रोपेगेशन स्टेप, नेक्स्ट स्टेप जो हमने लिया था वो था चेन टर्मिनेशन स्टेप. सिमिलरली टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट आयनिक पॉलीमराइजेशन एंड इट्स मैकेनिज्म. स्टूडेंट सिमिलर स्टेप्स रहेंगे लेकिन यहाँ पर इनिशिएटर जो स्पीसीज है वो बदल गई है. हमने फ्री रेडिकल में इनिशिएटर स्पीसीज का नाम लिया था फ्री रेडिकल ही. फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में फ्री रेडिकल ही रहेगा. आयनिक मैकेनिज्म में इनिशिएटर स्पीसीज हो सकती हैं वो दो टाइप की हो सकती हैं. आयनिक में कैटायन भी हो सकता है और एनायन भी हो सकता है. जब हम कैटायन की बात करके चलते हैं तो इस मैकेनिज्म को हम इस तरह से देखें, एडिशन पॉलीमराइजेशन है. फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन बात की, आयनिक पॉलीमराइजेशन बात की और इस आयनिक पॉलीमराइजेशन में हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट निकल कर आ रहा है वो यही है कि इसमें स्पेशली ये जो फ्री रेडिकल स्पीसीज बात करेंगे इसमें आयनिक में दो आयन्स हो सकते हैं, कैटायन हो सकता है और एनायन हो सकता है. तो कैटायनिक को जो हम बात करते हैं, कैटायन का मतलब ये होता है अगर बाय द वे पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज एक एसिड भी हो सकता है, तो एसिड भी हम इसको बोल सकते हैं. और एनायनिक स्पीसीज में हम बात करें तो ये नेगेटिव होगा और नेगेटिव यहाँ पर बेस हम लेकर चलते हैं, तो इसलिए इनके नाम भी हमारे सामने दो टाइप के हो गए हैं. इसको हम एसिडिक एसिड कैटलाइज पॉलीमराइजेशन भी कह सकते हैं और जो बी है जिसको हमने एनायनिक कह रखा है उसको बेस कैटलाइज पॉलीमराइजेशन भी कह सकते हैं. तो इन दोनों को हम डिटेल में लेंगे एग्जांपल के साथ. तो नेक्स्ट पॉइंट पर देखें, जरा नेक्स्ट स्लाइड से देखते हैं कैटायनिक पॉलीमराइजेशन. तो जैसा हमने फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन में स्टेप चूज किए थे, चेन इनिशिएशन स्टेप, चेन प्रोपोगेशन स्टेप, चेन टर्मिनेशन स्टेप, ठीक ऐसे के ऐसे स्टेप्स यहाँ पर होंगे, लेकिन यहाँ पर जो इनिशिएटर जो स्पीसीज है वो होगा हमारे लिए एक कैटाइन होगा. और उस कैटाइन को आप यहाँ पर देखें ज़रा, तो ये एक एल्कीन है जैसा मैंने देखा रखा है. एल्कीन आर के साथ जो है CH2 डबल बॉन्ड CHR जो है ये एल्कीन है. इसके लिए अगर हम इनिशिएटर की बात करें तो एक हमने एच पॉजिटिव लिया है, ये इनिशिएट करेगा. तो इस स्टेप में अगर हम यहाँ पर समझें तो स्टेप में भी कोई क्लियर है बात है कि इस स्टेप को हम क्या कह देंगे, इसको चेन इनिशिएशन स्टेप कहते हैं. चेन इनिशिएटिंग स्टेप कह रखा है हमने. और इसमें हमने जो कैटायन लिया है वो एक इनिबेटर का ही काम करेगा और यहाँ पर देख पा रहे हैं. तो दोनों एग्जाम्पल आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे, तो इसी को डिटेल में लें. तो यहाँ पर देखें नेक्स्ट स्टेप में, देखो इसको चेन इनिशिएटिंग स्टेप का है, एच पॉजिटिव यहाँ पर अटैक करेगा. एच पॉजिटिव अटैक करके देखो ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हो गए हैं CH2 की तरफ, तो इसी से एच अटैच हो चुका है. इसको एच अटैचमेंट के साथ साथ ही यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट यही निकल कर आता है कि हमारे लिए एक बड़ा कैटायन बन चुका है. देखो एच भी एक कैटायन था और ये एक बड़ा कैटायन बन चुका है जिसको हम कह सकते हैं कि कैटायन विथ हाइड्रोजन, कैटायन विथ प्रोटॉन. अब इसी को हम चेन प्रोपोगेटिंग स्टेप भी कह सकते हैं. नेक्स्ट स्टेप में ये जो बड़ा कैटायन बना है इस बड़े कैटायन के साथ एक एल्कीन मॉलिक्यूल और अटैच हो सकता है और वो अटैचमेंट कैसे होगा वो बिल्कुल क्लियर है. पाई बॉन्ड शिफ्ट हो गए CH2 की तरफ और ये पॉजिटिव है, इस पॉजिटिव से नेगेटिव अटैच होकर एक और बड़ा कैटायन बन चुका है. इसका मतलब ये प्रोपोगेशन हो चुका है, प्रोपोगेट कर रहा है, चेन बननी जा रही है एंड सोन कर दिया मैंने. देखो नीचे अगर हम देखें तो यहाँ पर मैंने एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और डिस्कस किया है. ये देखो एंड सोन का मतलब है एल्कीन अटैच होते 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 एक ये देखो इतनी बड़ी जिसमें एन मॉलिक्यूल एल्कीन के अटैच हो चुके हैं, तो एक ये बहुत बड़ा कैटायन बन चुका है. इस बड़े कैटायन को हम कहेंगे कि ये टेंस टू पॉलीमर है, लेकिन कैटायन फॉर्म है. कैटायन फॉर्म एक स्टेबल फॉर्म नहीं होती,
स्टेबिलिटी के लिए नेक्स्ट स्टेप हम जो ये चूज कर रहे हैं दैट इज चेन टर्मिनेशन स्टेप। चेन टर्मिनेशन यूजुअली बाय लॉस ऑफ प्रोटोन, ये भी आप ध्यान रखें लॉस ऑफ प्रोटोन से ये स्टेबल बनेगा। और स्टेबल बनने के लिए यहाँ पर जो सी एस टू है देख पा रहे हैं सी एस टू, ये देखो दिस इज सी एस टू, इस सी एस टू से एक प्रोटोन यहाँ से देखो ये प्रोटोन निकल चुका है, एक प्रोटोन निकल कर यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा एंड दिस बिकम ए पॉलीमर दैट इज इथीन पॉलीमर। तो इसको अगर ये वाइनिल क्लोराइड है तो पी वी सी पॉलीमर भी कह सकते थे। ये एक तरह से ये मैकेनिज्म रहेगा हमारे पास तीनों स्टेप में, और इन तीनों स्टेप को हम स्पेशली स्पेशली समझ रहे हैं, और तीनों को हम ये भी कह रहे हैं कि ये तीनों एक ही जैसे हैं। अब देखो जरा एनायनिक पॉलीमराइजेशन बात करते हैं, एनायनिक पॉलीमराइजेशन में वो वहाँ पर एसिड था एक इनिशिएटर, यहाँ पर कैटाइन के बजाय एनायन इनिशिएटर होगा। तो कैटाइन और एनायन दोनों ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये निकल गया है कि जिस तरह से वहाँ पर कैटाइन था यहाँ पर एक एनायन है, कौन है एनायन, ये बी पॉजिटिव जैसे बी नेगेटिव यहाँ पर एक एनायन है, ये इसको इनिशिएट करेगा। तो फर्स्ट स्टेप है चेन इनिशिएशन स्टेप जिसमें एक बेस है वो इनिशिएट करेगा। यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो बिल्कुल अपोजिट हो चुका है, तो अगर सी एस टू पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, सी एस टू पर अगर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये अपना आप ही क्लियर हो गया कि सी एस टू पर पॉजिटिव चार्ज आते ही ये जो बी है वो इससे अटैच होगा, सी एस टू से बी नेगेटिव इससे अटैच हो चुका है और एक ये बड़ा साइज का एनायन बन चुका है, दिस इज बिग साइज एनायन, ये देख रहे हो एनायन है बिग साइज हुआ। यहाँ पर एक बात हमें और भी समझ लेनी है, यहाँ पर सी एन लिया है, यहाँ पर हमने जो ये विनाइल ग्रुप के साथ ये सी एन लिया है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और वहाँ पर इससे पहले जब हम एनायनिक कैटायनिक पढ़ रहे थे वहाँ इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप था, ये जो ग्रुप दिस ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और वहाँ पर कौन सा ग्रुप था, इलेक्ट्रॉन डोनर था या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। तो ये स्टेप वो क्यों रहेंगे चेन, अब देखो चेन प्रोपगेशन स्टेप में देखें, चेन प्रोपगेशन में जो एनायन बड़ा साइज का बन चुका है उससे ही देखो ये एनायन बिग साइज का है, इसी से ही एक एल्कीन विनाइलिक एल्कीन और अटैच हो जाएगा, इससे अटैचमेंट हो रहा है देखो, और ये और भी बड़ा एक एनायन बन जाएगा। तो इस तरह से एनायन के साथ एनायन अटैच होकर एक बड़ा एनायन बन रहा है, ऐसे कैटायन के साथ कैटायन जुड़कर एक बड़ा कैटायन बना था, ऐसे फ्री रेडिकल के साथ एक फ्री रेडिकल जुड़कर एक बड़ा फ्री रेडिकल बन रहा था। चूँकि लास्ट स्टेप में अब इसको हम यूटिलाइज करेंगे चेन टर्मिनेशन स्टेप, यहाँ पर लिखा है यूजुअली इट विल बी फिनिश्ड विद द हेल्प ऑफ एडिशन ऑफ एच पॉजिटिव, ये चेन टर्मिनेशन स्टेप है, ये किसके थ्रू होगा, एडिशन ऑफ एच पॉजिटिव, इससे पहले रिमूवल होता था, तो यहाँ पर ये देखो एच पॉजिटिव आ चुका है, कहीं से भी आए ये तब एच पॉजिटिव आएगा, एच पॉजिटिव इस नेगेटिव के साथ अटैच हो जाएगा और ये बड़ा साइज का जो एनायन था इसके साथ ये अटैचमेंट शो कर रहा है और ये अटैच होकर और यहाँ पर देखो एच ये स्टेबल स्पीसीज बन चुकी है, दिस इज पॉलीमर, इसको हमने लास्ट में कह दिया कि ये पॉलीमर है हमारे पास, दिस इज पॉलीमर, दिस वन इज पॉलीमर। तो स्टूडेंट ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इन स्लाइड को आप बहुत इस तरीके से और समझते हुए कि हमने क्या क्या किया है वो हमें ध्यान देना होगा। तो अगर हम देखें तो पहले स्लाइड में देखा था हमने कैटाइन में देख लिया हमने, इससे पहले हम फ्री रेडिकल में भी ये नोटिस कर चुके, ये एक पॉइंट मैं स्टेटमेंट यहाँ देना चाह रहा हूँ कि इनिशिएटर हमेशा जैसा होता है वैसा ही वो बनाएगा, यहाँ पर इनिशिएटर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव बन रहा है, अगर फ्री रेडिकल होता था फ्री रेडिकल ही बड़ा बनेगा, अगर एनायन लेते तो बनने वाला भी एनायन होगा, लाइक्स मेक लाइक, ये प्रोसीजर ये कंसेप्ट इसमें यूज में आएगा, फ्री रेडिकल मेक ए बिग फ्री रेडिकल, कैटाइन मेक ए बिग कैटाइन, एनायन मेक ए बिग एनायन, तो इस प्रोसेस के थ्रू ये मैकेनिज्म फिनिश होगा। तो इस मैकेनिज्म को आप बहुत ही अच्छी तरह से आप अपनी कॉपी में राइट डाउन करें और जो भी प्रॉब्लम है उसको मुझसे शेयर करें, मैं जहाँ तक समझता हूँ ये टॉपिक आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर होगा, मैं ये प्रॉमिस करता हूँ कि आप इसको कंटिन्यू करें तो आपको बहुत बेनिफिट होगा।